तो रोज़ाना की तरह मेरा आज का दिन भी स्टार्ट हो चुका था और हमेशा की तरह आज भी मैं बहुत बिज़ी रहने वाला हूँ। घर वालों की कोई बात नहीं मानूंगा, मम्मी पापा का कोई काम करके नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद ही अपनी लाइफ में इतना बिज़ी रहता हूँ कि कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। और मैं बिज़ी किस चीज़ में रहता हूँ ये आप लोग खुद देख लो। म्यूजिक क्यों बंद किया? सॉरी। म्यूजिक क्यों बंद किया? सॉरी सॉरी। मूड खराब कर दिया उसके बाद सॉरी। आगे से इसको बुलाना नहीं भाई। ओके भाई। तो मैं बिगड़ इतना चुका था कि आते जाते लोग रास्ते में मुझे आवाज लगा देते थे, ओए स्मैकी तेरे बाप से मैंने कभी कुछ पैसे उधार लिए हैं क्या? भाई क्या बोल रहा है? नहीं, तेरे बाप से मैंने कभी कुछ पैसे उधार लिए हैं क्या? नहीं। तो तूने कभी कुछ पैसे मेरे को उधार दिए हैं? नहीं। तो जब मैं अपने बाप के पैसों का नशा करता हूँ तो मेरा बाप मेरे को स्मैकी बोलेगा? तू क्यों बोलता है यार, आगे से मत बोलियो वरना तू देख लियो फिर। क्या देख लियो? व्हाट यू मीन बाय देख लियो? बहुत बिगड़ तेरे घर पे बताना पड़ेगा। पैसे पड़े तेरे पे? क्यों पैसे पड़े हैं? पड़े हैं भैया। अब जा, मेरे मम्मी पापा को बोलिए तेरे से पैसे भी छीने थे, जा। अभी जाऊंगा तेरे घर पे, रुक जा तू। मैं बाहर की दुनिया की बातों को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था, पर अपने घर वालों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। क्या बातें करते हैं, पता भी है तुझे कि क्या क्या बातें करते हैं? और वो पड़ोस वाली राहुल की मम्मी तेरे बारे में कह रही थी कि उसने तुझे कुछ लड़कों के साथ देखा है नशा करते हुए, और अगर तुझे ऐसे ही रहना है ना तो तू इस घर से निकल जा। आने दे, जरा तेरे पापा को बताती हूँ। बस मेरी लाइफ का एक ही रूटीन था, नशा नशा और नशा। अब नशा कर करके मुझे खुद से रियलाइज़ होने लगा था कि शायद मैं अपनी लाइफ के साथ खेल रहा हूँ। यार मेरे को लगता है ना कि हम लोग ये नशे के चक्कर में अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। एक बात बताओ, जिंदगी में इससे अच्छी चीज है भी क्या? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नशा खुद से कर रहा हूँ कि फिर मुझे नशे की आदत सी हो गई है। ओ भाई माल पड़ा है क्या? भाई माल तो ऐसा कभी पिया ही नहीं होगा। ला यार। चलो भाई आप घर चलते हैं यार। भाई तुम जाओ, मेरा तो अभी सुरूर बना है, मैं जाऊंगा थोड़ी देर तक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सिंपल सीधी सादी लाइफ के बीच में कभी ट्विस्ट भी आएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अब बैठ जाओ। अरे कौन सा मेरे बाप का है? आपने कुछ बोला?
नहीं मैं कह रहा हूँ, किसी का वेट कर रहे हो क्या? हाँ जी, मेरी फ्रेंड का। हेलो, कहाँ पे है? माँ क्या कर रही है? चल ठीक है, मैं आ रही हूँ। अच्छा, मेरी फ्रेंड आ गई, मैं जा रही हूँ। अब मैं नशा छोड़ना भी चाहता था, बट शायद मैं अब नशा छोड़ ही नहीं सकता था। अब जब भी कभी मैं कहीं अकेले खड़ा होके नशा छोड़ने की बात सोचता था, तब तब मेरे साथ यही होता था। हेलो, कहाँ पर हो भाई? क्यों, क्या हुआ? अरे यार, आज ऐसा माल लेके आया हूँ ना, पी के बस मुझे ही याद करोगे। तो अभी तो मैं बस 10 मिनट में कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ, ठीक है? जल्दी जल्दी। ठीक। हेलो, हाय, पहचाना? हाँ, वहाँ पार्क में मिले थे ना। यहाँ क्या कर रहे हो? आज मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी वेट कर रही हूँ। आप करते क्या हो रोज दोस्तों के साथ? स्टडी। अच्छा। हेलो, माँ क्या कर रही है? फ्रंट गेट पे। चल ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय। अरे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा मॉल के यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मैं यहाँ कब से बैठा हुआ हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, माल लाए क्या? भाई बहुत तगड़ा माल है, देख के हिल जाओगे तुम। तो ऐसा क्या, बाबा की बूटी में लाई है? वही मान लो तुम। चलो पहले दिखाता हूँ तुमको। भाई माल कैसा है? और पीने तो दे अभी। एक काम कर, जाके ना वो पानी लेके आ। पानी अभी लाता हूँ। पिला दे यार। अरे भाई भाई, पुलिस वाले आ रहे, जल्दी भागो यहाँ से, ठुल्ले आ रहे। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? मैं तो कहीं नहीं, बस। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं, बस मैंने बताया था ना, फ्रेंड के साथ में स्टडी। अच्छा, मैं तो बस घर ही जा रहा था। चलो साथ में चलते हैं। घर जाना आपको? हाँ। चलो फिर। बस 2 मिनट बुक अंदर रखना। अच्छा ये बताओ, आपका नाम क्या है? नाम गोली है मेरा। ये कैसा नाम है? दोस्त बुलाते हैं। अच्छा चलो, कोई नहीं। और क्या करते हो? कुछ नहीं करता मैं तो। मतलब स्टडी भी नहीं? नहीं, चलना मेरे से चलना। अच्छा, आप उधर से जाओगे? मैं इधर आ। चलो ठीक है, बाय बाय। यार, इस लड़की के सामने आते ही मुझे कुछ तो हो रहा था। मेरा जुदा नहीं।